शशि थरूर का नाम देश के जाने माने नेताओं में गिना जाता है। संसद में अपने प्रभावी भाषणों के लिए भी शशि थरूर जाने जाते हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे शशि थरूर बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी शशि थरूर बेहद सक्रिय नजर आते हैं। देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में भी शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर आता है। सोशल मीडिया पर शशि थरूर के लाखों फॉलोअर्स हैं। शशि थरूर भारत के ट्विटर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। शशि थरूर ने भारतीय जनजीवन से जुड़े कई उपन्यास और विश्लेषणात्मक किताबें भी लिखी हैं। लोकसभा की बात करें तो शशि थरूर अपनी सवाल करने की शैली से सरकार को भी कभी कभी असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। मानसून सत्र में भी शशि थरूर ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कोरोना को लेकर किए गए सरकार के तमाम इंतजामों पर भी शशि थरूर ने कई सवाल उठाए। हम ये नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम ये बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। तैयारी से लड़ते तो हालात न होते, रेल की पटरी पर वो प्रवासी न सोते, साइकिल पे बूढ़े बाप को बेटी नहीं ढोती, लाश पर माँ की कभी बच्ची नहीं रोती, अर्थव्यवस्था इस तरह निपात न होती, शायद हमारी इतनी बुरी मात न होती, विश्व पटल पर हम कभी प्रथम नहीं आते, जितने मरे हैं लोग वो मारे नहीं जाते। अच्छी सी कोई योजना हम रच सकते थे, मिलजुल सलाह करते तो शायद बच सकते थे। हम ये नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम ये बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। वही समय समय पर शशि थरूर केंद्र सरकार से संसद में कठिन सवाल करते रहते हैं। अपने क्षेत्र के लिए भी समय समय पर शशि थरूर संसद में सवाल उठाते नजर आते हैं। मानसून सत्र के दौरान ही शशि थरूर ने लोकसभा में केरल में हो रही पानी की कमी की समस्या को उठाया था। इसके अलावा केरल में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के लाभ के बारे में भी शशि थरूर ने सवाल पूछा। वही सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की बात हो तो इस मामले में शशि थरूर बहुत आगे दिखते हैं। 90 दिनों में से शशि थरूर 88 दिन सदन में उपस्थित रहे हैं। शशि थरूर के जीवन की बात करें तो शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था। उनके संपन्न पेरेंट्स विदेश और देश दोनों जगहों पर रहे। वैसे मूल तौर पर उनका परिवार केरल के पलक्कड़ से ताल्लुक रखता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो शशि थरूर जीनियस थे। 5 फीट 9 इंच के शशि का कॉलेज में अलग ही जलवा था। स्मार्ट, सुंदर, लंबे, बुद्धिमान और जेंटलमैन शशि कॉलेज में जल्द ही लोकप्रिय हो गए। वो कॉलेज की गतिविधियों में शिरकत करते थे। शशि थरूर ने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। शशि थरूर ने 1978 में अमेरिका की फ्लैशर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से PhD की थी और तभी से वह संयुक्त राष्ट्र से जुड़े। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव के रूप में कार्यरत थे। शशि थरूर ने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें एक राजनीतिक व्यंग द ग्रेट इंडियन नॉवेल भी है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के लोकप्रिय कर्मचारियों में से एक थे और इसका उदाहरण तब देखने में आया जब संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा। शशि थरूर ने 1978 में संयुक्त राष्ट्र में काम करना शुरू किया था। करीब 30 सालों में उन्होंने शरणार्थी विभाग, शांति दलों, महासचिव के कार्यालय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है और उनके काम को काफी सराहा भी गया था। महासचिव पद के चुनाव की दौड़ में वह भारत की ओर से उम्मीदवार भी थे, लेकिन उन्हें दक्षिण कोरियाई राजनयिक बान की मून ने उस समय शिकस्त दी। मूल रूप से केरल के रहने वाले शशि थरूर को कांग्रेस ने 2009 में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। तिरुवनंतपुरम से जीते शशि थरूर को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया। 2010 में कोच्चि की IPL टीम को लेकर विवादों में फंसे विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थरूर ने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो उन्हें कांग्रेस, कम्युनिस्टों और BJP ने संपर्क किया। उन्होंने कांग्रेस का चयन किया क्योंकि उन्हें इसके साथ वैचारिक रूप से सहज महसूस हुआ। शशि थरूर देश में राजनीतिक संवाद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे पहले करने वालों में शुमार थे।
लंबे समय तक ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या देश में सबसे ज्यादा थी। 2013 तक वह सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली शख्सियत थे, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ा। 2014 में एक बार फिर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव करीबी अंतर से जीते। शशि थरूर की जिंदगी के बारे में बात करें तो वो काफी विवादों में भी रही है, चाहे वो आईपीएल की टीम में हिस्सेदारी को लेकर हो या अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम सीट से जीत दर्ज की। संसद के अंदर समय समय पर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को सरकार के हमलों से बचाते दिखते हैं। एक बड़े राजनेता होने के साथ साथ शशि थरूर एक अच्छे लेखक भी हैं। शशि थरूर ने तमाम विषयों पर किताबें भी लिखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।